आज हम देखेंगे कि वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिक होती है इसका टब हाइजीन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें इसकी वायर को लगा लेना और बटन को ऑन कर लेना है, और साथ में इसका जो वाटर पाइप है वो भी ऑन कर लेना है वहाँ से। अब इसको यहाँ से ऑन कर लेना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है एकदम, एक बार देख लेंगे सब हो जाएगा। अब इसके प्रोग्राम पे जाके हमें ये देखना है कि हमारा ये टब हाइजीन है 10 नंबर पे है, तो हमें प्रोग्राम पे 10 नंबर पे जाना। ये 10 नंबर आ गया इसका। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, हमने पानी ऑन कर ही दिया पीछे से, और अब हमें यहाँ से स्टार्ट दबा देना है बस, सिंपल। अब देखो पानी आना शुरू हो गया इसमें। ये पानी का लेवल जब थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। अभी पानी आ रहा है इसको, देखिए फ्रेंड्स पानी इसमें आ रहा है। अभी भी महीने में अगर 4, 5, 6 बार भी अगर आप यूज़ करते हो उसको, वॉशिंग मशीन को, तो आपको 1.5 महीने में एक बार आपको ये कर लेना चाहिए टब हाइजीन। अगर आपकी वॉशिंग मशीन ज़्यादा यूज़ होती है फ्रेंड्स, तो आप मंथ में एक बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी जो है वॉशिंग मशीन वो है पैनासोनिक की, तो मैंने ऑनलाइन पैनासोनिक का ही ये परचेज़ किया हाइजीन टब के लिए। तो आपका जो भी ब्रांड हो आप उसको सर्च करके ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो हाँ, इसको यूज़ कैसे करना बस मैं एक बार ये बता दूँगा आपको। तो देखिए दोस्तों बढ़ता जा रहा है, देख सकते हैं। टाइम शो नहीं कर रही, जब ये पानी पूरा फिल कर लेगी उसके बाद ये टाइम शो करेगी। टाइम लगभग 1 से 2 घंटे के आसपास ही आता होता है। बेसिकली दोस्तों इस पाउडर का मेन वर्क जो होता है वो ये रहता है कि आपका जो टब है ये जिसमें आप कपड़े डालते हो, इसके पीछे या इसके नीचे जो भी गंदगी फंस जाती है, जैसे रुआ हो गया, मिट्टी होगी, कुछ भी फंस जाता है, तो ये पाउडर उसको हटाएगा वहाँ से, करेगा बिल्कुल एकदम वहाँ से। फंस जाती है वो मिट्टी, गीली रहती है वहाँ पर, और जो गीली रहती है मिट्टी वो उसकी वजह से जंग आ जाता है कई बारी, क्योंकि इसके पार्ट जो होते हैं कुछ लोहे के होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं। स्टील को तो नहीं फ़र्क पड़ता इतना, लेकिन जो लोहे के होते हैं वो गल जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसका यूज़ किया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स अब ये पानी को इसने घुमाना शुरू कर दिया, मतलब कि इसने अंदर से इसको वॉश करना शुरू कर दिया। तो इसी टाइम अब हमें क्या करना है, इसको पॉज करके यहाँ से, अब ये जो हमारा पैकेट है इसको हमें खोल के इसके अंदर डाल देना है, ताकि इसकी जो झाग है वो बननी शुरू हो जाए इसके अंदर, और जो ये इसने शुरू कर दिया अपना प्रोग्राम तो उसको दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स इस पैकेट को खोल लेना है। ये देखिए ये पैकेट है दोस्तों, ये पूरा नेट 100 ग्राम का पैकेट है। जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो है 6.7, तो अगर आपकी इससे ज़्यादा है या 7 kg है या 8 kg है, तो आप इसको 2 पैकेट यूज़ करिए, क्योंकि उसका ड्रम बड़ा होता है, उसमें कपड़े ज़्यादा आते हैं, तो उसमें गंदगी भी ज़्यादा ही होगी। क्या करो, क्योंकि इसमें कुछ रूए वगैरह ऐसा होता है, जैसे कपड़े के रूए हुए, कुछ छोटी छोटी जैसे डस्ट होगी वो फंस जाती है इसमें, तो वही इसके अंदर ही घूमती रहती है कपड़ों में हमारे, तो वही लग के जैसे कई बार हो जाता है, तो इसको भी क्लियर करना ज़रूरी होता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों इसका वाटर लेवल कितना बढ़ चुका है, लगभग 60 से 65% इसमें पानी भर चुका है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इसमें, इसका जो ये इस पाइप का लेवल होता है, इस पाइप का लेवल जो ज़मीन से हमेशा ऊपर रहना चाहिए, कभी भी आप कैसे भी वॉशिंग मशीन रखते हैं वो ज़मीन से हमेशा आपकी ऊपर रहनी चाहिए। का जो पाइप का लेवल है हमें जहाँ भी पानी निकालना है उससे ऊपर होना चाहिए, जहाँ पे वॉशिंग मशीन आपने रखी हुई है। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि पानी यहाँ फंस जाता है तो पानी अंदर ही रह जाता है, क्योंकि अंदर प्रेशर तो है नहीं कोई ऐसा, प्रेशर बस वही होता है जब पानी इकट्ठा निकलता है, तो इकट्ठा लोड पड़ता है तो तब ये निकलता है। लेकिन अगर आपका लेवल नीचे रहेगा इकट्ठा,
ये देखिए दोस्तों, इसका लेवल पूरा फुल हो चुका है, पानी का वाटर लेवल पूरा फुल हो चुका है। अभी ये जैसे घूमना शुरू करा इसने, अब धीरे धीरे इसमें झाग बनना शुरू होगी। अभी भी देख लीजिए दोस्तों, टाइम नहीं आया है। सिक्स मिनट से जा कर के नीचे 68 मिनट में इसने वर्क करना शुरू करा है, और देखिए कैसे झाग बन रही है। देखिए झाग बनाना शुरू कर दिया, इट मीन्स इसने अपना वर्क करना चालू कर दिया। इसके अंदर अब मैल जितनी भी है वो बाहर निकलेगी, जितनी भी मिट्टी है उसको ये हिलाएगा और बाहर निकालेगा ड्रेन पाइप के जरिए। वाटर इसने निकालना शुरू कर दिया है यहाँ से। पानी तो वैसे साफ ही निकल रहा है, इतनी ज्यादा गंदी नहीं है मेरी मशीन, लेकिन हाँ झाग जरूर निकाल रही है। ये देखिए इन्होंने सारा पानी निकाल दिया। सारा पानी निकाल दिया भाई। सारा पानी बाहर आ गया दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें सिर्फ झाग झाग रह चुकी है। अभी भी स्टील लेकिन 65 मिनट्स है, हो सकता है दोबारा पानी भरेगा, ये दोबारा हिलाएगी उसको ये पानी को, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी जो सफाइयाँ और करेगी अभी। और आ पानी बाहर निकाल दिया मशीन ने, वॉश की जो लाइट है वो बंद हो चुकी है, अब रिंस की आ गई है लाइट, और अभी खाली ही घूम रही है ऐसे।
फुल स्पीड में घूम रही है दोस्तों। पानी तो सारा बाहर निकल चुका है वहाँ से इसका, तो देख सकते हैं आप जहाज भी निकल चुके हैं। तीन मिनट लेफ्ट रह चुके हैं दोस्तों, लेकिन अब ये ड्रम रुक चुका है और पानी दोबारा भर रहा है इसमें। देखिए दोस्तों कैसे इसने दोबारा वॉश करना चालू कर दिया ड्रम को। लेकिन जहाज अभी भी बन रहा है इसमें, कितना पावरफुल पाउडर होगा वो जो अभी तक जहाज बन रहा है। दोस्तों ये तीसरी बार वॉशिंग मशीन पानी रिफिल कर रही है। लेफ्ट में 41 मिनट्स रह गए हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पूरा क्लीन हो जाएगा आज वॉशिंग मशीन अंदर से जितना भी गंदा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही मिनट रह गए हैं और लगभग लगभग अंदर से साफ हो चुका पूरा। ये देखिए पहले से कितना ज़्यादा चमक रहा है ये। दोस्तों देखिए प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, अब इसको खोलने की बारी है। कितना क्लियर हो चुका है, एकदम साफ ऐसा लग रहा है जैसे अभी नई मशीन आई है दोनों, एकदम साफ हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने कैसे चमक रहा है ये, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है ये। तो होप आपको वीडियो देख के कुछ समझ आ जाएगी, साफ हो चुका काफ़ी है। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।